दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। नगर निकाय चुनाव का नामांकन फेस चल रहा है और मुक्ता सोनी जो है उन्होंने निर्दलीय अपनी दावेदारी ठोकी है। भारतीय जनता पार्टी में थी, कुछ कारण ऐसे रहे, टिकट नहीं मिली है, अब वो निर्दलीय मैदान में आई है। उन्हीं से जानते हैं आखिरकार क्या मजबूरी पड़ गई और मुक्ता सोनी जैसी चुनावी मैदान में आई है निर्दलीय। उसके बाद ललितपुर से लेकर तालगढ़ तक की राजनीति गर्मा गई। मुक्ता जी आपका स्वागत है। जी नमस्कार। क्या मजबूरी पड़ गई? देखिए, मैंने पिछले 15 वर्ष समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ नगर को दिए हैं और हमारा काम समाज सेवा का था। एक बेहतरीन नगर पंचायत उत्तर प्रदेश में वो रोल मॉडल के रूप में हमने विकसित की। ऐसा कोई भी कार्य योजना नहीं थी जो इस नगर पंचायत को नहीं मिली। आदर्श नगर पंचायत तालबेहट बनी और इस सब के लिए मैं अपने नगर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे 3 बार मौका दिया। ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैं लगातार 3 बार अपने नगर की सेवा कर पाई। कुछ ऐसे कारण, कुछ ऐसी काम रह गए हैं अभी कि मैं चाहती हूँ कि नगर की जनता मुझे एक बार पुनः मौका दे और मैं पूरा काम वो कर सकूँ। और सच कहूँ तो इस बार हमारा विशेष मन था भी नहीं राजनीति में पुनः वापसी करने का या फिर से चुनाव लड़ने का, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, कुछ कारण ऐसे बने, हमें लगा कि अगर जिस नगर को हमने पिछले 15 वर्षों से सुरक्षित रखा है, इस नगर में कभी भी अराजकता नहीं हुई, कभी भी अशांति का माहौल नहीं बना। दूसरे शहरों में जहाँ दुनिया भर की आफतें आती रहीं, लेकिन नगर पंचायत कार्यालय पूर्णतः सुरक्षित रही, कभी भी इसमें अराजकता और अशांति नहीं रही। लेकिन हमें कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि अगर हम ये दावेदारी नहीं करते हैं तो हमारी नगर पंचायत कुछ ऐसे हाथों में चली जाएगी कि हमारे नगर में निश्चित ही अराजकता का माहौल बनेगा, अशांति का माहौल बनेगा। आप पहली बार कांग्रेस से जीत कर आए, उसके बाद जितनी बार चुनाव लड़ी निर्दलीय लड़ी, आखिर राजनीतिक पार्टियां आपको टिकट क्यों नहीं देती या सूट नहीं करती हैं? राजनीतिक पार्टियां ये चाहती नहीं कि मुक्ता सोनी चुनावी मैदान में आए पार्टी का फेस बन के? जी, कभी पार्टी ने टिकट इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि सोनी समाज के वोट बहुत कम है और जहाँ तक हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण के आधार पर टिकट मिलती है, तो हमारी सोनी समाज के इतने टिकट वोट नहीं है कि पार्टी ने कभी दिया। मुक्ता सोनी जीत कैसे रही? ये तो हमारी नगर की जनता से पूछना चाहिए आपको सही प्रश्न। वो मुझे ये स्नेह और विश्वास देती है, मुझे जनादेश ऐसा मिलता है कि मुझे सौभाग्य ही मेरा काम करता है। बीजेपी से क्या नाराजगी है, कुछ नाराजगी है स्थानीय लेवल पर? हमने आवेदन किया था लेकिन पार्टी ने हमें उनके मानक में शायद हम खरे नहीं उतरे, इसलिए पुनीत सिंह जी को टिकट मिली। हमने पूर्व में भी चुनाव लड़ी थी, पुनीत जी भी चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ आप दोनों चुनाव लड़े थे। जी, मैं भी पिछली बार निर्दलीय थी और पुनीत सिंह जी भी निर्दलीय थे और तीसरे नंबर पर जो हरीश चंद्र रावत आए थे वो भारतीय जनता पार्टी से थे और पुनीत सिंह जी जो इस बार अभी जिन्हें टिकट मिला है वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़े थे पिछला। तो आप मान लीजिए कि वह सिचुएशन आ जाएगी कि पुनीत जी के लिए बीजेपी से चेहरा बना दिया, आप अब बीजेपी से बाहर होने वाली हैं? अभी लेटर मिल गया या नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं। विधायक कह रहे हैं कि मुक्ता सोनी 2 दिन में वापसी करेंगे, पर्चा वापस करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस विधायक के अंदर कहाँ से आ रहा? ये मैं कैसे कह सकती हूँ कि विधायक जी ने किन परिस्थितियों में ये बात कही है, लेकिन फिलहाल तो मैंने निर्दलीय पर्चा भरा है और मैं नगर की जनता से यही अपील करूँगी कि बरसों से जो नगर सुरक्षा में और शांति में रहा है तो उस शांति के लिए और सुरक्षा के लिए एक बार मुझे पुनः अपना भरपूर जनादेश दीजिए ताकि नगर पंचायत आप अच्छी बोली। क्या रह गया है जो नहीं कर पाएंगे तालवेट में? अगर मुक्ता सोनी जी के ऊपर भरोसा फिर से जताती है जनता तो वो क्या है जो नहीं हो सकता? और फिर फंड वगैरह कुछ होता नहीं तो सरकार फंड दे रही है कि नहीं दे रही है? जी, हमारा महत्वाकांक्षी योजना थी जो अब हमारी शेंशन भी हो चुकी है, पानी की टंकी। हमें पानी की टंकी जो हमने अपने नगर की जनता से वायदा किया था वो तो शेंशन हो चुकी है, सब कुछ काम हो चुका है और हम चाहते हैं कि ये पानी की टंकी हम अपनी जनता को। पुनीत के 2 काम, पानी के टैंकर अभी भी वो प्रचार के तौर पर चला रहे हैं, दूसरा फ्री वाईफाई भी बढ़िया पूरी सेवा दे रहे हैं, कम से कम 1.25 लाख का बिल हर महीने कर रहे हैं। ये पार्टी का तो कोई प्लान था नहीं, बीजेपी का, वो पुनीत बीजेपी में थे तो वो अपने पर्सनल पैसे से ये सब कर रहे थे, तो आपके दिमाग में नहीं आई चीज? देखिए, नेट फ्री देना या ये तो उनका पर्सनल है, लेकिन पानी का मैं जहाँ तक बता दूँ कि
पानी वो जहाँ से लेते हैं टैंकर से वो नगर पंचायत का कुआं है, तो मैं अपनी सिंधी से ये पूछना चाहती हूँ कि नगर पंचायत का भी उसमें योगदान है, ये बोलिए आप। तो ये मुक्ता सोनी जी थी, अपने काम काज से संतुष्ट हैं, चुनावी मैदान में आ रही हैं, जनता पर फिर से भरोसा है, खुद की समाज का वोट बैंक नहीं है चूंकि तालवेट ही उनका समाज है और सभी वर्ग से वोट उन्हें मिलता है, तभी वो तीन बार चुनकर सामने आई है। तालवेट की अगर हम बात करें तो एक प्रत्याशी जो भी जीतता है वो तीन बार लगातार जीतता है, मुक्ता सोनी भी तीन बार जीत चुकी हैं, चौथी बार क्या नया रिकॉर्ड बनाएंगी, क्या समीकरण बनेंगे, ये सब चुनावी मैदान में हम लोग आप लोगों के बीच में चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता जी आपका। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।